दोस्तों, कोरल रीफ के बारे में आपने जरूर सुना होगा या देखा होगा, जो अधिकतर समुद्री तथा जलीय सतह पर पाए जाते हैं, जिसे हिंदी में प्रवाल भीति भी कहते हैं। ये समुद्र के अंदर स्थित चट्टानें हैं जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं, जिसे मूंगों का चट्टान भी कहा जाता है। आज हम एक ऐसे ही कोरल रीफ के बारे में बात करने वाले हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है, जो ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट पर 2300 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जिसमें 2900 चट्टाने और 940 आइलैंड हैं, जो 1200 मील तक लंबा और 10 से 90 मील तक चौड़ा है। इस रीफ में 1500 प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं, जिसमें 134 प्रजाति के शार्क भी हैं। इसके अलावा यहाँ हर तरह के समुद्री जीव भी पाए जाते हैं। यहाँ 411 तरह के सख्त मूंगे हैं। यहाँ कुछ ऐसे समुद्री स्तनधारी जीवों और कछुए का भी घर है, जो अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। ये मूंगे की चट्टाने समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। दुनिया के सर्वाधिक प्रवाल हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत के लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी प्रवालों से ही बनी है। ग्रेट बैरियर रीफ इतना विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह जीवों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी एकल संरचना है। यह नजदीक से देखने में जितना सुंदर लगता है, उतना ही अद्भुत अंतरिक्ष से इसका नज़ारा लगता है। इतना खूबसूरत होने के कारण ही इसे पानी का बगीचा कहा जाता है, क्योंकि यह देखने में किसी अजूबा से कम नहीं लगता। यही वजह है कि यूनेस्को ने इसे 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया था। यही नहीं, CNN ने इसे दुनिया का एक अजूबा माना है। ऑस्ट्रेलिया में ये एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, जिसे देखने दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। लेकिन पिछले 2 दशकों से लगातार जलवायु परिवर्तन के कारण इसे काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस पार्क के अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट में यह बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र में बढ़ता तापमान ही इस रीफ के नुकसान का कारण है। ऑस्ट्रेलिया रिसर्च काउंसिल के सेंटर फॉर कोरल रीफ स्टडीज के अनुसार पिछले 25 साल में दुनिया के प्रसिद्ध मूंगों की चट्टाने लगभग आधी खत्म हो चुकी है। इन मूंगों की चट्टानों की खत्म होने की मुख्य वजह इंसानी गतिविधियों के कारण हुआ जलवायु परिवर्तन है, जो वातावरण को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। इस रिसर्च के मेन शोधकर्ता एंड्रियास डाइस्टल ने बताया कि बढ़ते तापमान के कारण इन मूंगों की चट्टानों की ब्लीचिंग हो रही है। दरअसल ब्लीचिंग मूंगों में उसका रंग उड़ जाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसके रंग की मुख्य वजह सूक्ष्म शैवाल होते हैं, दोनों मिलकर एक दूसरे के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। एक रिसर्च के अनुसार 2016 से 2017 के बीच वहां का पानी का तापमान बहुत तेजी से बढ़ा है, जिससे ब्लीचिंग की बहुत घटनाएं हुई हैं, जो मूंगों के खात्मे की मेन वजह है। तापमान बढ़ने के कारण कोरल शैवाल को अपने आप से अलग कर देती हैं। ऐसे में अगर टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हुआ तो धीरे धीरे मूंगे नष्ट हो जाती हैं। पिछले कुछ दशकों से कोरल रीफ के साथ यही हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो 2050 तक दुनिया का सबसे बड़ा यह रीफ पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया सरकार इसे बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। उम्मीद है भविष्य में यह प्रकृति का अजूबा सुरक्षित रहेगा।